प्रणवौ पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जासुरदय आगार बसहि राम सर चाप धर। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। रामचरितमानस कैसे पढ़ें कैसे गाएं, इस श्रृंखला पर मैंने कुछ वीडियो अपलोड किए थे, तो आज का वीडियो भी उसी श्रृंखला पर आधारित है। तो उन वीडियो मैंने बताया था आप लोगों को कि चौपाई दोहा सोरठा छंद पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो आज का वीडियो है सोरठा पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो मैंने बताया था कि सोरठा 24 मात्रा का एक मात्रिक छंद है। तो ये है सोरठा, जो आप सबको जानते हैं इस सोरठा के बारे में। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम गिनेंगे तो 24 मात्राएं आएंगी। जिनको भी मात्रा गिनना नहीं आता है, जो भी नए श्रोता हैं, वो मेरे इस श्रृंखला के पुराने वीडियो आप ज़रूर देखें, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये है आपका सोरठा, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी सोरठा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल होती है 24 मात्रा। तो जब भी हम इसको पढ़ेंगे या गाएंगे तो एक साथ तो नहीं गा पाते हैं, कहीं बीच में तो रुकना पड़ेगा। तो कहाँ पे रुकना है उसका नियम होता है। तो 24 मात्रा का सोरठा है, आधा करेंगे 12, तो आधा से थोड़ा सा पहले 11 मात्रा पे आपको रुकना होता है, 11 मात्रा पे आपको रुकना होता है। अब बाकी की जो 13 मात्रा है आपको फिर एक साथ पढ़नी होती है। इसी तरह से इसमें भी, तो रुकना कहाँ पे है, 11 मात्रा के बाद। बड़े आसानी से आप पढ़ सकते हैं, काउंट कर सकते हैं मात्रा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसके अलावा एक नियम और भी, बड़ा आसान सा नियम, बड़ा बढ़िया सा नियम होता है लय। जहाँ पे रुकना है वहाँ पे एक लय भी होती है सोरठा में। वो लय क्या होती है, गुरु से लघु या दीर्घ टू लघु, मतलब बड़ी मात्रा से छोटी मात्रा। आपको जहाँ पे रुकना है वहाँ पे शब्द ऐसा आएगा जो बड़ी मात्रा से छोटी मात्रा पे ख़त्म हो रहा हो। जैसे देखिए, कुमार बड़ी मात्रा से छोटी मात्रा पे ख़त्म हो रहा है, आगार। तो ये बड़ा ही अच्छा सा नियम होता है सोरठा के केस में। तो अगर हमको ये पता है तो सोरठा को पहचानना बड़ा आसान हो जाता है, और कहाँ पे विराम लेना है वो भी जानना बड़ा ही आसान हो जाता है। तो जैसे हम इस वाले सोरठा की बात करें तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। तो पहले तो मात्रा गिनना भाई, मात्रा पहले गिन के हम देखेंगे, क्योंकि पढ़ने से पहले गिनना पड़ेगा। तो मात्रा गिनना थोड़ा सा कठिन काम है, लेकिन ये जो तरीका है लय का, कि वहाँ पे रुकना है जहाँ पे बड़ी मात्रा से छोटी मात्रा पे शब्द बन रहा हो। तो नीलोत्पल तन श्याम सुनिए तासु गुण ग्राम, इन दोनों में आप चेक करिए कहाँ पे 2 से 1 आ रहा है, बस वहीं पे आपको रुकना होता है, यहीं पे आपका 11 मात्रा कंप्लीट होगी, और इधर आपकी 13। आप चाहें तो गिन के भी चेक करेंगे तो वही इतना ही आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। इस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 मात्रा पे आपको रुकना होता है सोरठा में, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि सोरठा को किस तरह से पढ़ा जाता है। अब हम बात करते हैं कि सोरठा सीधा पढ़ना चाहिए या उल्टा पढ़ना चाहिए।
तो अगर हम तर्क के आधार पर समझें, सोचें कि कैसे पढ़ना चाहिए, तो हमको लगता है कि यार सीधा ही पढ़ना चाहिए। हालांकि बहुत सारे लोग उल्टा भी पढ़ते हैं, वो भी गलत नहीं है, क्योंकि लय तुक बनाने के लिए जो है कई बार उल्टा भी पढ़ते हैं लोग। बार हम भी पहले कई बार उल्टा ही पढ़ लेते थे, लेकिन अगर तर्क के आधार पर, नियम के आधार पर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई सीधा ही पढ़ना चाहिए। क्योंकि जितने भी विद्वान हैं, ज्ञानी लोग हैं, इसके पहले जिनने भी रामायण पढ़ी है, जिनका हम अभी तक सुनते आए हैं, तो हमने या आपने तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि सुना होगा कि उनने जो है सोरठा को उल्टा गाया हुआ है या पढ़ा हुआ है। आप रविंद्र जैन की रामायण ले लीजिए, मुकेश की ले लीजिए, लता मंगेशकर की ले लीजिए, किसी की भी रामायण आप सुनेंगे, तो उन लोगों ने, जो बड़े कलाकार लोग हैं, उनने सोरठा को सीधा ही पढ़ा है। और समझ में भी आता है कि यार उल्टा पढ़ना होता तो तुलसीदास जी उल्टा ही लिख देते, उन्हें सीधा क्यों लिखा है ना? और अर्थ भी सीधा पढ़ने पे ही सही निकल के आते हैं। तो तर्क के आधार पर अगर हम सोचें तो हमको यही लगता है कि सोरठा को सीधा ही पढ़ना चाहिए। बाकी उल्टा पढ़ना भी कोई गलत नहीं है, उल्टा भी पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद। ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।